मूल गौड़ीय मठ के वही प्रतिष्ठाता है। अगर प्रभुपाद जगत में नहीं आते, हम जो थोड़ी बहुत भजन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भजन में आना हम लोगों के लिए दिक्कत है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने यहाँ का पहले मैजिस्ट्रेट थे, तब उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का शक्ति जो बिमला देवी, उनसे प्रार्थना किया है, देवी हमें ऐसे एक संतान दो, जो मैंने इतना ग्रंथ लिखा है, अगर कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं होगा तो सब दिमाग आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमें ऐसे एक संतान दो जो कि महाप्रभु का जो वाणी, महाप्रभु का एक भविष्यवाणी था, पृथ्वी से आचजत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है विमरना। मतलब एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में गांव गांव में मेरा नाम गूंजेगा और दुनिया लोग प्रसन्न होकर के मेरे कीर्तन करेंगे, भजन भक्ति करेंगे। इसलिए प्रभु ये था महाप्रभु का भविष्यवाणी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जब प्रार्थना की बिमला देवी को, उनकी कृपा से इसलिए प्रभुपाद जन्म ग्रहण हुए, इसलिए उनका नाम पर उनका नाम रखा बिमला प्रसाद उनका नाम रखा। फिर प्रभुपाद ने यहीं पर ही प्रभुपाद ने उनका माता जी का नाम था भगवत देवी, यहीं पर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जन्म हुए और उनने जन्म ग्रहण करके सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उन्हें 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया। स्थापन करते हुए फिर उन्हें शिष्य बनाए, सन्यास प्रदान किया और हर शिष्य को उन्होंने गांव गांव में शहर शहर में हर शिष्य को उन्होंने भेजा, भेज करके उन्होंने सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार प्रसार किया और ऐसे प्रचार प्रसार किया सचमुच से प्रभुपाद का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी में एक दिन मेरा नाम गूंजेगा। अगर ये बात को किसी ने संपूर्ण रूप में अगर जगत में किसी ने प्रचार और प्रसार किया ना, यानी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। इसलिए कहते हैं जो प्रभुपाद है तो पहले भला चिंतो बस। इसलिए प्रभुपाद पहले जो नियम था, ये भक्ति में कौन आता था? अनधिकारी व्यक्ति कोई नहीं आता, केवल अधिकारी व्यक्ति लोग ही भजन में पहले आते थे। हम जैसे व्यक्ति हैं जो अनर्थग्रस्त व्यक्ति काम क्रोध का दास होकर उसका लात खा रहे हैं, हम जैसे व्यक्ति भक्ति में पहले नहीं आते। पहले जो अधिकारी होते थे जैसे गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास, लोग जो नित्य सिद्ध परिकर थे और बड़े सुकृतिवान थे, वही केवल पहले भक्ति में आते थे, साधारण व्यक्ति नहीं आते थे। लेकिन प्रभुपाद ने साधारण से साधारण व्यक्ति को उन्होंने मठ मंदिर स्थापन किया, हम जैसे अधम को पापियों को उन्होंने स्थान दिया, मंदिर स्थापन किया, गले में कंठी तिलक लगा करके इसी तरह से ठाकुर का आरती कीर्तन सेवा करे, इनकी धीरे धीरे संस्कार बने, संस्कार धीरे 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 जब संस्कार पुष्ट होगा धीरे 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 वो व्यक्ति भजन राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कहते पूरी सर कीट है ते मुई से लगिष्ट, जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट, मोर नाम लय जे तार पुण्य खय, मोर नाम सुने जे तार पाप है, ए मन निर्भिन्न मर केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माया। ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये बात है। इसलिए कहते हम भी ऐसे ही है, पुरुष रक्ति पुरुष मतलब विष्टा के कीड़े से भी हम ज़्यादा गए बीते हैं, जगाई माधाई से भी ज़्यादा हम पापी है, हमारा जो नाम लगा उसके साथ पुण्य खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे अधम व्यक्तियों को अगर किसी ने ये भक्ति जगत में स्थान दिया है, कहते एक प्रभुपाद छड़ा जगत में, अगर ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद नहीं होते तो हम कभी भी भक्ति जगत में आ ही नहीं सकते, प्रभु कभी भी नहीं आ सकते थे। इसलिए अगर हम विचार करेंगे महाराज कहाँ से, प्रभु जी कहाँ से, हम लोग कहाँ से पता नहीं कहाँ किसी गांव की कोने में हम पड़े हुए थे, हैं किसी गांव में, लेकिन हम अभी आ करके तिलक कंठी माला लगा करके थोड़ी बहुत जो हरिनाम करने के लिए प्रचेष्टा करते हैं, कीर्तन भजन करने के लिए प्रभुपाद का कृपा है। इसलिए आज हम लोग ये प्रभुपाद का जन्म स्थान पर आए, इनकी कृपा से ही हम भक्ति जगत में आ पाए। इसलिए
ये हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करें, हैं सबको ऊपर में कृपा करें। इन्होंने जी ये गौड़ीय मठ का स्थापन किया, किसी ना किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव के अनुगत रहते हुए हम किसी तरह से एक जीवन को बिता दें, बिता दें तो हमारी सुकृति पुष्ट होगा, अरे सुकृति पुष्ट होगा तो धीरे धीरे भजन में प्रवेश करेंगे। ये जगह को पहले लेना कोई साधारण बात नहीं था, महाराज बता रहे थे ना, पहले ये किसी मठ का अधीन में रहता था, लेकिन इस स्थान को कोई ले नहीं पाया, इसको ने भी आया वो भी नहीं ले पाया, इसलिए कोई नहीं, लेकिन हमारे से भक्ति दय रसुल्ला माधव गोस्वामी महाराज को देखने में प्रभुपाद जैसे लंबे चौड़े बड़े सुंदर सुखुर सुखुर हैं, बड़े सुखुर सुखुर देखने में, इन्होंने जब जहाँ पर सारी चेष्टा खत्म हो जाता था फिर भक्ति दय माधव गोस्वामी महाराज फिर वहाँ पर चेष्टा करते थे। जब ये महाराज कहीं जाते थे 7 दिन में, अगर कहीं जाएंगे 7 दिन में मंदिर स्थापन करते, 7 दिन में कहीं जाते थे एक मंदिर स्थापन करके आते थे। इसलिए वृंदावन में भी इनका मंदिर को कहते बड़ा मंदिर, वृंदावन बहुत सारे गौड़ीय मठ है, वहाँ पर कहते बड़ा मंदिर है, बड़ा गौड़ीय मठ है। इसलिए और उनका जो सुशिष्य है भक्ति वल्लभ जिला तीर्थ गोस्वामी महाराज और इनके आश्रित महाराज और इन्होंने भक्ति को बहुत संभाल रखा। पहले तो वृंदावन में गए थे यही हो जाते हैं, इसलिए हमारे प्रभु जी सारा जीवन ठाकुर को यहीं पर पूजा करते थे और हम लोग यहाँ पहले आते थे और प्रभु जी को हम जानते हैं बहुत दिन से, हम प्रभु जी को जानते हैं सर, प्रभु हमें भूल गए लेकिन हमने प्रभु को भूला नहीं, इसलिए हम सब खुश प्रार्थना करते हैं प्रभु बाल भक्त माधव गोस्वामी महाराज भक्त वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हम सबको मिलने आशीर्वाद करें और हम किसी तरह से गुरु वैष्णव के आदमी रोक में भजन करते करते जीवन को हम बिता दें। ठीक है, प्रसिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।